लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार कार्यकर्ता जनसभा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि उनके समर्थन में वोट डालें। इसके साथ ही आज सिरसागंज नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विश्वदीप सिंह के समर्थन में आज युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से कार्यकर्ता लगातार नगर भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, हमारे साथ कार्यकर्ता उनसे जान लेते हैं किस तरीके से रैली निकाली गई, कहां से रूट रखा है क्या। आज हमारा लोकसभा फिरोजाबाद के प्रत्याशी विश्वदीप प्रताप सिंह के समर्थन में हम लोगों ने, युवा मोर्चा के सभी साथियों ने मिलकर एक बाइक रैली निकाली है, जिससे हम जनता में एक तो हमारे यहाँ वोट करने की अपील कर रहे हैं और दूसरा अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, बहुत जीत होगी, पूरी बहुत बड़ी जीत होगी। किस तरीके से रैली निकाली गई, कहाँ से स्टार्टिंग? यहाँ से चार्ज हुई मंदिर से ऊपरी से और होते हुए वैसे निकल के आके सरकार मान ली। और भी लोगों से जान लेते हैं किस तरीके का उत्साह देखा गया, क्या लग रहा है आप? जिस प्रकार से आप युवाओं का ये जोश देख रहे हैं उससे संदेश जाता है कि इस बार 400 पार के साथ में फिरोजाबाद लोकसभा सीट हम पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होने वाले हैं। आदित्य प्रताप सिंह, तपती धूप में हजारों की संख्या में हमारे युवा साथियों ने इस बाइक रैली में भाग लिया, तो निश्चित तौर पर आप ये जान सकते हैं कि इस बार मोदी सरकार 400 पार कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उमड़ता इन युवाओं का सैलाब को देखते हुए ये निश्चित है कि इस बार पुनः फिरोजाबाद की सीट भाजपा के पक्ष में जा रही है। नारा है 400 पार हमें जाना है और वो हम जाएंगे। आपको इतनी कड़ी धूम में दिख रहा होगा कि हमारे युवा मोर्चा की तरफ से निकाली गई नगर भ्रमण की यात्रा में कितनी जोर और खरोश के साथ सभी साथियों ने साथ दिया। उसी तरीके से पोलिंग वाले दिन हमारे युवा कार्यकर्ता एक एक वोट ले जाके पोलिंग स्टेशन पे ले जाके वोट डलवाएंगे और मोदी जी को 400 पार कराएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम एक तरफा जीत रहे हैं, क्या लग रहा है? सारे विपक्ष यही कह रहा है कि हम एक तरफा जीत रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि परिणाम क्या आना है। सबको पता है मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री सीट पे बैठेंगे। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे? अपने लोकसभा की कंडीशन ये है कि जातगढ़ अगर देखा भी जाए तो 1 लाख प्लस से हम लोग जीत रहे हैं।